तैयारी कर रहा हूँ। तो आज हम जाएंगे रैली में, जुलूस रैली है जश्न ईद मिलाद उन नबी के सिलसिले में, और तैयार होकर फिर आपसे हम बात करते हैं फिर से। अस्सलाम वालेकुम भट, आज मैं तो मैंने आपको बताया था जब मैं तैयार हो रहा था, अब मैं रेडी हो चुका हूँ। अब जाएंगे हम नमाज पढ़ के आ गए ईशा की, और अब हम जाएंगे रैली में जो कि सिद्दीकी मिलाद कमेटी तरफ से, और रैली हमारे वो सामने गली है एक और वहाँ से निकलेगी और हमारी गली में इख्तिताम होगी, और आपको पूरा रैली का मंजर दिखाएंगे। रैली किस सिलसिले में आपको पहले ही मैंने बताया, जश्न ईद मिलादुन नबी आ रहा है 2 दिन बाद, आज है बुध और जुम्मे को है हमारा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई थी, और उस सिलसिले में आज सिद्दीकी मिलाद कमेटी तरफ से रैली का अहतमाम किया गया है, तो हम उसमें शिरकत करेंगे। तो आपसे रैली में भी मिलते हैं, और अभी तो कुछ वीडियो वगैरह बनाते हैं रैली की। इसी वजह से उलमा ने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से मुखातिब करके बुलाना ये हराम है। अब हम तो या रसूलल्लाह है, या हबीब अल्लाह है, या नबी अल्लाह है, या शफी अल-मुस्लिमीन है, या रहमत लिल-आलमीन है। तो महफिल मिलाद के बाद हम आ गए हैं इस गली में जहाँ से रैली निकलेगी जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में, और बस ट्रक का इंतज़ार हो रहा है, आवाम तो पहुँच चुकी है काफ़ी, तो इंतज़ार है आवाम आ जाए। वो आवाम तो आ गई है बल्कि ट्रक नहीं आया है। तो रैली अब निकल चुकी है, तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ है। जब तक दम पे दम है जिक्र जिक्र का हसरा के जाए, मिट गए मिट दे है मिट जाए सब आदार, मिट गए मिट दे है मिट जाए सब आदार, ना मिटा है ना मिटेगा कि या रसूल अल्लाह चल 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 तेरा। हम इस तरह से गुजारिश है यानी पीछे खड़े हैं वो गाड़ी के करीब करीब आ जाए, चंद गाते हैं आप हजरात गाड़ियों पर हैं जो इंतजामिया के गुजारिश है कि आप साथ साथ रहिएगा ताकि आने जाने वाले जो ग्राहक हैं उनको पेश आ जाइए आप लोग।
एक से डेढ़ घंटे बाद हमारी रैली सत्याम चौक पहुंच चुकी है। सत्याम चुरंगी सामने आप देख सकते हैं। अजीमपुरा मिल्ला टाउन बागे मलीर खाना बोर्ड रफ्याम से होते हुए रफ्याम सुरंगी पहुंच चुकी है और बयान हो रहा है। आप बयान सुनिए। जमीन को पैदा न करता, इस कायनात को पैदा न करता, यहाँ तक सबसे आकर में जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, आदम सुन, अगर मुझे इस नबी को पैदा करना मकसूद न होता, मैं अपना रब हर लोगों के सामने जायदा फरमाता। اللہ بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا مجھے تیری زیارت کرنی ہے، مولا مجھے تیرا دیدار کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب باری آتی ہے محمد مصطفیٰ کی، جب باری آتی ہے خاتم النبیین کی، جب باری آتی ہے آخر زمان نبی کی، جب باری آتی ہے آمنہ بلال کی، جب باری آتی ہے کائنات کے سردار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کی رات کو آسمان سے جبرائیل کی نگرانی میں ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو بھیج کر بھیجتا ہے، میں جا میرے فرشتوں میرے نبی کو جگا کر میرے پاس لے کر آؤ، میں اپنے نبی کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ اور رفیع ہم سے ہماری ریلی نکلنی ہے۔ اور تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے بعد ہماری ریلی اختتام کے پذیر جاتی ہے۔ اور یہاں لنگر کی تیاری کی جا رہی ہے، ہماری گلی ہے۔ اور لنگر کے لیے دریا وغیرہ بچھڑی ہے۔ کچھ سے
और रैली हमारी ख़त्म हो गई है और इसके बाद अब लंगर शुरू हो चुका है, देख सकते हैं आप। अगर हमें हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करके बताइए। जब तक के अल्लाह हाफिज़।